जिंदगी ने जिंदगी भर गम दिए, लेकिन रिबॉन ने हमें भी नहीं कुछ कम दिए। इसी सैड म्यूजिक के साथ गाइस अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग, वेलकम बैक टू एक और जरालत। उम्मीद है तुम सब फिट फाट खैरियत से होगे और चिल करके गंदी स्मोक में घर बैठ के छुट्टियां एंजॉय कर रहे होगे। लेकिन हमारी जिंदगी में सुकून नाम की शय ऐसे गायब हुई है जैसे नेरी में छापर गायब होते हैं। गाइस हमारी रिबॉन ने एक नए दिन के साथ एक नए गड्ढे का आगाज कर दिया है। खैर कसूर उसमें रिबॉन का नहीं है, कसूर उसमें हमारे छोटे भाई का है। हमारा जो निका भरा है उसको रिबॉन पकड़ाई भी है, जा तो जिंदगी इंजॉय कर। वो ऐसी इंजॉय करता है कि उसने इंजॉय करते करते गाड़ी के इंजन का राइट वाला नीचे वाला मोट ही तोड़ दिया। हाँ जी, हुण सुकून माहौल क्रूज करता हुआ मैं वर्कशॉप जा रहा हूँ। अगर मैं गाड़ी को अभी मांडा लगाऊंगा ना तो इंजन कड़क करके बाहर नीचे आ जाएगा और फिर गाड़ी अलग जाएगी और इंजन अलग। तो बॉयज ये इसी के साथ साथ हमारे एक नए कट्टे का आगाज हो चुका है। ठीक है, जिंदगी में पहली दफा मेरी किसी गाड़ी का मोड़ टूटा है। मैंने कल्टस पे कुत्तों की तरह मांडे लगाए हुए हैं, मैंने टीके पे कुत्तों की तरह मांडे लगाए हुए हैं, मैंने ईएस पे कुत्तों की तरह मांडे लगाए हुए हैं। भाई साहब आज तक किसी गाड़ी का मोड़ नहीं टूटा, इसका पहली दफा मोड़ टूटा है। तो सोचो कैसी गंदी, तुम लोग ये वीडियो देखो जाके जरा। कैसी गंदी तरह ये गंदा गाड़ी चलाता होगा, बांदर बंदूक फड़ाने वाला साहब है, इन्हू गड्डी फड़ाना। अब ये गाड़ी सही करा के आपके भाई ने अपने डेली यूज में रखनी है, भाई छोटे भाई को नहीं देनी। वसीफ अफान साहब बोल जाओ तुम गड्डी लभेगी हूं। खैर बॉयज चलते हैं हम सीधा वर्कशॉप पे, मगर हो चुकी है और 2-2.5 घंटे का काम है इसका, इंजन का मोड का वो करवाते हैं, उसके बाद गाड़ी को करते हैं अपने अंडर। अब ये गाड़ी हम किसी को नहीं देंगे भाई, खुद मैं चलाऊंगा। मैं चलाता हूँ बड़े प्यार से, बड़े खूबसूरत तरीके से। वो मेरा निका भरा कुड़ियां इंप्रेस करने चक्कर च रेसा मारी जाता यार, केड़ी कुड़ी ने आकर तेरे नंबर दे देना गड्डी वेख के यार, मैंने तो अज तक नहीं दिता किसी ने। खैर चलते हैं वर्कशॉप पे। गाड़ी की बोनट से आवाज आती है और जब भी खड्डा लगता है ठक की आवाज आती है, दिल को बजती है यार नहीं सुन वाली जा रही, पहली दफा मोड़ टूटा मेरा यार, इंजन ना डिग जाए तले, म्यूजिक लगाओ आवाज नहीं सुनी हमें, किधर गया, चल पड़ छाड़ दे छाड़ दे हट दे। अब हनी सिंह ही हमें इस आवाज से बचा सकता है। तेरा बॉम्ब फिगर ब्लू आइज हिप्नोटाइज तेरी कर दी है मैंनो। गाइस जो रिबॉन है ना वो एक ना बड़ी टॉक्सिक किस्म की, यार क्या गाड़ी आ रही है माशाल्लाह है। एक हफ्ता मिलो ना ना इसको लेके ना ना बाइक ड्राइव पे जाओ, एक हफ्ता इससे मिलो ना ना तो ये आपके ना खर्चा करा देती है। ये कहती है मैं वर्कशॉप ले जाए, मैं कुंडली तुम कहती कि मुझे कोई रेस्टोरेंट लेके जाओ, मैं मिनरल वाटर पिलाओ। वो साहब है रिबॉन का, भाई रिबॉन भी ना अगर आप एक डेढ़ हफ्ता इससे मिलो ना ना इसको ड्राइव पे ना लेके जाओ तो रिबॉन भी ऐसे लड़की वाले टॉक्सिक गर्लफ्रेंड्स वाले नखरे करती है। पर कोई नहीं यार, हम इसके नखरे उठाएंगे यार, ये इतनी हसीन चीज लिखती है आपके भाई को, जितने मर्जी नखरे कर ले यार। इस गाड़ी से मोहब्बत ऐसी है कि क्या बंदा करे, जितना मर्जी नखरे कर ले यार मोहब्बत खत्म ही नहीं होती। लाइक वो एक इश्क वाला कीड़ा जो है ना वो पुड़क पड़ता है कि यार रिबॉन बचपन की ड्रीम कार, बेशक आपकी भी रात की ड्रीम्स रात का चैन आपकी गाड़ी ने उड़ाया हो, लेकिन बचपन की जो ड्रीम कार है ना वो मोहब्बत आ जाती है दरमियान में, रिबॉन से मोहब्बत ही ऐसी है। खैर बॉयज हम वर्कशॉप भी पहुंचने वाले हैं, मैंने कहा जब तक वर्कशॉप नहीं पहुंचे तब तक थोड़ी सी मौसीकी इंजॉय कर लें, यो हनी सिंह इंजॉय कर लें थोड़ा सा। अब कर लिया है तो बस वर्कशॉप इज ऑलमोस्ट कितना 4 किलोमीटर पहिए हले भी हुए।
इतना सैड नहीं होना आगे हो आए अब लगा ना रोमांटिक गाना। ओ यार नेट नहीं आ रहा, व्हाट इज दिस बिहेवियर, कंट च नेट नहीं चलता यार। इक ते है ले गबरू दा ना ते ला 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 हुंदी हर था सड़ सड़ दे तो जुती अग दी कर सड़ रे ना मेरे को सारे मोड तोड़ लिया रिबोन दा शरीको। वर्कशॉप पे गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं, अब तुम लोगों को मैं मोड कैसे दिखाऊंगा, खबर करो जरा कोई साफ किताब लगाते हैं दिखाने का। एक मिनट यार, बल्कि मैं एक वीडियो कल बनाई थी तुम लोगों को, वो वीडियो यहाँ पे लगा दूंगा, तुम लोग देख लेना। और बाकी जो है छोटे मोटे काम है इसके, जिसके अंदर इसका जो टपेट कवर का जैन है शायद वो भी चेंज कर दें हम लोग, क्योंकि ऑयल लीक कर रही है गाड़ी। और मोट है बेस्ती करी जा रहे हैं यार। की मतलब खटारा गुर्दे में चवा बिकवा तेरे गड्डी दे मेरे, तू खटारा कह रहा है। ये देखो गाइस रिपोर्ट मारे इसको, ये देखें ये ना ये सारी टूटी हुई है, ये देखें किसका इंजन की तारे बैठे देखिए सारी पीछे आ, इधर आ, इधर आ, पीछे आ, पीछे आ, पीछे आ, पीछे आ, पीछे आ, पीछे आ, इधर आ। ओ मोड़ टूटा हुआ, इंजन ना बाहर आ जाए, पीछे आ इधर आ। हाँ अब चेक कर खटारा वेलकम टू द सेकेंड डे बॉयज। टाइम हो चुका है 7-8 बजे लगे ने, और वर्कशॉप से मैं कॉल आ गई है। रात को गाड़ी छोड़ आया था मैं वहाँ पे ही, और वर्कशॉप से मैं कॉल आ गई है वर्कशॉप से मैं कॉल आ गई हुई है कि गाड़ी हमारी ओके हो गई है, तो अभी फिलहाल हम चलते हैं गाड़ी लेने। और ऐ वेख रहे बंदा, ऐ वो मरासी है जिन्हें साड़ी गड्डी का ऐ हाल किया है, इस मरासी ने हमारी गाड़ी का ये हाल किया। शुक्र करो उधर तू शुक्र कर, ये पता ही करता यूनिवर्सिटी के बाहर जाके रेसे मारता है भाई, लड़कियां ट्रैक करता है। ओ केड़ी कुड़ी तेरे जो नंबर नंबर दिता है, केड़ी कुड़ी ने तेन गड्डी वेख के यार चुप कर जो यार, काम करो जो कर रहे हो। ब्लॉक हो के आ गया, ब्लॉक नहीं होते अल्हम्दुलिल्लाह। गाइस सीन ये है कि अभी हम करा रहे हैं ड्राइवर, और भाई मैंने कहा बाइक पकड़ ले, ठीक है तू बाइक चला के आ जी, मैं गाड़ी लेके आ जाऊंगा। कहता नहीं मैं गड्डी लेके आवाऊंगा, आप बाइक पे आओ चेक करो हिसाब लो इहदा। खैर अभी हम मंगवा रहे हैं ड्राइवर, ठीक है आगे हम दोनों गाड़ी में आए सुकून से। तो क्या गाड़ी मंगा रहा है बाइक मंगा रहा है? जहाज। काम चेक करो, इन ड्राइवर वाले कहता 100 रुपया वाद दे देंगे सानू, दोनों बंदे ले जाए एक मोटरसाइकिल पे। गाइस ये हैक आप इस्तेमाल कर सकते हो, जब दो दोस्तों ने एक जगह जाना हो, एक इन ड्राइव करानी हो बाइक, 100 रुपया उसके ऊपर दो और दो बंदे सुकून से डबलिंग करते बजाओ, टेंशन ही कोई नहीं। अस्सलाम वालेकुम गोल्डी, कैसी हो? ठीक हो? तो गाइस वर्कशॉप पे हम लोग पहुंच चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम अंकल जी, क्या हाल चाल है? ठीक है, वर्कशॉप पे हम लोग पहुंच चुके हैं, और गाड़ी वाह वाह गंदी हुई है। ओए होए होए, हमारे माशाल्लाह से टैपेट कवर भी ओके हो गए हैं, ठीक है। इंजन ऑयल थोड़ा सा लीक हो रहा, टैपेट कवर का जैन ख़राब था वो भी ओके हो गया, ठीक है। और हमारी बैटरी भी ओके हो गई है, और हमारा गोडा क्या मोड है जो बंदर जो मोड तोड़ा सी गड्डी का, यह भी ओके हो गया है। तो गाड़ी को उठाते हैं, चलते हैं सीधा घर, और रस्ते में हम करेंगे व्लॉग एंड। भाई साहब जिंदगी में पहली दफा मैं कैंट में एंटर हो रहा हूँ, गाड़ी फुल चेक करा के मनहूस बंदे दी पाया तो भाई डेड लॉश काले शीशे करके कल्टस लेके मैं बढ़ता था कैंट के अंदर, मुझे आज तक मजाल है किसी ने रोका हो, ये बंदा मनहूस है इसकी वजह से उन्होंने हमारी गाड़ी की डिक्की खोल खोल के चेक किया है। टेंशन ही लेते किसी भी चीज की, और तू अपनी टेंशन लेना। और गाइस एक और मशीन चेक करो, ये चेक करो पेट्रोल लिस्टा, हमने इतने तेल में गाड़ी घर लेके जानी है, ये हमारा आज का टास्क है, हमने कोई पेट्रोल शेट्रोल नहीं डलवाना इसमें। और मजे का सीन तुम लोगों को बताता हूं, डलवा के दो मैंने लेके जानी है कल, चल कल लेके जा, डलवा के दो गाइस। मजे के बाद तुम लोगों को बताता हूं, हमने जो इन ड्राइवर वाला कराया ना, हम एक बाइक पे दो तीन बंदे बैठ के हैं, वो इन ड्राइवर वाला भी हमें अजीब चप मिल गया, वो 1980 मॉडल बाइक उसकी रस्ते में भाई पेट्रोल खत्म, बाइक लिटाई भी है उसने, मोटरसाइकिल लंबे पाई उन्हें मेन रोड से हिसाब लो,
यार ये जब बंदा साथ होता ना ऐसी कोई टीटो पार्टी मेरे साथ तब भी होते हैं जब ये यार ये मनुष्य साथ होता जब वाजी साहब गड्डी मिसिंग करने लग पई है यानी कि पेट्रोल निश्ता कोई नहीं अभी पंप पे बैठते हैं जाके यार 1000 रुपए का डलवा लेते हैं ये अगर खड़ी भी कर देना गाड़ी दोबारा निकालनी पड़ेगी को बुलाता वो मुझे गालियां देगा आके कल मैंने पौना घंटा धक्के लगाए हैं गाड़ी ऑन करने के लिए गाड़ी नहीं ऑन कोई नहीं पेट्रोल यार ये जहाज है पी जाती है पी जाती है पी जाती है चलो कोई नहीं अब सीधे जाके पंप पे मिलते हैं खैर ब्लॉग हम यहाँ पे एंड करते हैं यार अगर पसंद आया हो तो लाइक कमेंट्स कर लो और दुआ करो मैं सुकून से पहुंच जाऊँ इस पेट्रोल में नहीं पेट्रोल डलवा लेते रस्ते में यार